देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में मौजूद कार्यालय में G20 समिट की शुरुआती तैयारियों को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने कहा है कि उत्तराखंड में G20 से संबंधित 2 बैठकें होनी तय है और पहली बैठक 25 से 27 मई 2023 और दूसरी 26 से 28 जून 2023 को आहूत की जाएगी। उन्होंने कहा है कि हमारी संस्कृति अतिथि देवो भव की रही है। देखिए 25 से 27 मई और 26 से 28 जून हमें G20 के रूप में 2 बैठकें करने का तय हुआ है और आप ये देखिए कि पूरी तरह से हमारी सरकार और हमारे अधिकारी इस विषय में बहुत बारीकी से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जब तमाम डेलीगेट्स जो G20 के हैं एयरपोर्ट्स पे आएंगे और एयरपोर्ट्स के आने के बाद जब उनको हमारे वेस्टर्न होटल जहाँ पे एक कार्यक्रम होना है वहाँ से लेके चाहे लाइट को प्रॉपर करना हो, चाहे वहाँ पे नए पोल्स लगा के अच्छे सुंदर पोल्स लगाने की बात हो, सड़क की बात हो, या फिर आपको उसमें कहीं सुंदरता के लिए फ्लोरिंग और इस टाइप की बात हो, और वहाँ से लेके लास्ट तक ये जहाँ जहाँ एरिया आएंगे दुकानदारों के आगे जहाँ जहाँ ये दुकानें पड़ रही हैं उसके फसाद सुंदर एक जैसे हों। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ TC के आदेश के तहत ही महाशिवरात्रि पर्व को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराने को लेकर ही पुलिस को निर्देशित किया गया है कि वो कांवरियों की पूर्ण तरीके से ही आने जाने की व्यवस्था पर पैनी नजर रखें और इसी क्रम में ही हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर लौट रहे कांवरियों ने ही सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है और इस बार ही पुलिस ने पैदल आ रहे कांवरियों के लिए नई तरह से व्यवस्था की है और रोड किनारे रस्सियों के सहारे पैदल कांवरियों यात्रियों के लिए ही व्यवस्था की गई है और इसी क्रम में ही जगह जगह श्रद्धालु कांवरियों के लिए ही भंडारों का आयोजन कर रहे हैं। पूरा नगर जो है क्षेत्र जो है बताया जा रहा है कि भोले के नारों से गूंज उठा है। जो कांवड़ी व्यवस्था है इसमें आज अन्य दिनों की अपेक्षा सबसे सर्वाधिक कांवड़िए अपने अपने गंतव्य को जा रहे हैं। इस हेतु हमने पहले से भी प्लानिंग करी थी और उसको एग्जीक्यूट भी किया। जगह जगह पर हमने शांति व्यवस्था के लिए और सकुशल यात्रा के लिए पर्याप्त ड्यूटियों की व्यवस्था करी थी। साथ ही जो आमजन है उनमें भी काफ़ी हर्षोल्लास है। इसकी वजह से जगह जगह पर आप देख रहे हैं कि इनके रुकने की, ठहरने की, लंगर की और इस तरह से खाने पीने का उचित प्रबंध किया गया है। चूँकि इस बार कई जगहों पर जैसे यातायात, जैसे काशीपुर में बाजपुर की मुख्य सड़क ROB निर्माणाधीन होने की वजह से, बंद होने की वजह से हमें डाइवर्जन करना पड़ा था, लेकिन लकीली हमारे पास MP चौक के तुरंत बगल में रामलीला का एक बहुत बड़ा मैदान है और हमने मैदान कमेटी से भी निवेदन किया था जिससे कि उन्होंने एक्सेस दिया कि आप हमारे गेट से अंदर से निकाल सकते हैं। तो चूंकि ये इतना स्पेस है तो हमारे भी मन में आया कि अन्य लोगों के साथ साथ हम भी करें, जो हमारे कांवड़ यात्री हैं उनकी सेवा करें। इसी के क्रम में हमारे द्वारा भी एक बड़े भंडारे की व्यवस्था यहाँ पे की गई है, इसके साथ साथ मेडिकल फैसिलिटी की व्यवस्था की गई है। व्यवस्था बहुत अच्छी कर रखी है, कांवड़ियों की संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पिछले साल कमी थे और इस बार अरेंजमेंट्स भी बहुत अच्छी है। मंदिर इतना अच्छा सजा रखा है सबने और पुलिस वालों का भी सहयोग है। जी बहुत सहयोग है जिससे कि सिक्योरिटी मिल रही है यहाँ पे और भंडारा वगैरह भी बहुत अच्छी तरीके से। काशीपुर में ये पहला मौका है कि गंगा जल लेके आने वाले मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों के स्वागत में पुलिस विभाग के द्वारा यहाँ पर भंडारा लगाया गया है और विशेष तौर पर मैंने ये देखा है कि इनका जो रास्ता है वो भी कन्वर्ट करके स्पेशली इसी साइड से किया गया है ताकि सबको रेस्ट करने का टाइम भी मिल जाएगा और भंडारा भी। इस बार तो काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है कांवड़ियों में और अरेंज भी काफ़ी अच्छा है, सब लोग सहयोग भी कर रहे हैं आपस में, बहुत अच्छे से काम चल रहा है, यहाँ का व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। पिछली बार तो कोरोना की वजह से इतना नहीं हो पाया था लोगों में, लेकिन इस बार बहुत अच्छा चल रहा है। जिस तरीके से जगह जगह भंडारे दिए जा रहे हैं और जो है जय भोले के नारे के उद्घोष से जो पूरा नगर
जो है इस समय जो है गुंजान में है, तो क्या कहना है आपका? काफ़ी अच्छा लग रहा है शहर में, और इस तरह से देख के लोग शिवमय हो गए, हमारी ये नगरी बहुत ही अच्छा लग रहा है। राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय नारायण भगड़ का वार्षिक उत्सव समारोह नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं के एक साथ बढ़ चढ़ कर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियों के साथ ही संपन्न हुआ है। बताते चले आपको कि अनेक प्रकार के ही गढ़वाली और कुमाऊनी देशभक्त गीतों की लाजवाब प्रस्तुतियां छात्र छात्राओं के द्वारा दी गई हैं, और मुख्य अतिथि यशपाल सिंह नेगी ने संबोधित करते हुए कहा है कि छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए ही शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद, संस्कृति और सभी चीजों की बहुत आवश्यकता है, और वहीं उन्होंने बच्चों के उज्जवल भविष्य की भी कामना की है। इस अवसर पर ही अभिभावक और इसके साथ ही स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे हैं। हम यहाँ पहले पढ़ चुके हैं, तो यह विद्यालय के जो आगे जो कार्यक्रम जो पहले होते थे यहाँ पे, उसके मुताबिक आज यहाँ पे बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, और जिसमें हमारे बच्चों को उसको पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, तो काफ़ी अच्छा लगा इसको देख करके। आने वाले टाइम में और इससे अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर होगा, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। कि विद्यालय सन 2013-14 से जब राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय नारायण भगड़ मॉडल स्कूल बना, तब से लगातार छात्र संख्या में वृद्धि हो रही है, और हमें भी बहुत हर्ष हो रहा है। खुशी की बात है कि छात्र संख्या 100 से ऊपर जा चुकी है, और पूर्व में मैं भी प्रधान अध्यापक रही यहाँ, तो जो कार्य मैं न कर सकी वो मेरे साथी लोगों ने किया, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और उन्होंने हमें जो आदर सम्मान दिया उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी, और उन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए मैं ये चाहूँगी कि वो भी आगे निरंतर बढ़ते रहें, और इसी प्रकार हर बार वार्षिक उत्सव करें, और इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। एम्स ऋषिकेश ने पहाड़ी इलाकों के दुर्गम क्षेत्र में दवाई पहुंचाने के लिए नई तकनीक से दवा देनी शुरू कर दी है। ड्रोन कंपनी के माध्यम से दवाइयों मरीजों तक पहुंचाए जाने की योजना की गई है, शुरुआत इसकी। और इसके साथ ही एम्स की प्रोफेसर मीनू सिंह और ड्रोन कंपनी के गौरव कुमार ने पहली ड्रोन सेवा से 3 किलो की दवाई का पैकेट नई टिहरी के लिए रवाना किया है। 25 मिनट में ड्रोन टिहरी तक पहुंचा, और जिसके बाद ड्रोन ने ही टिहरी से एम्स के लिए उड़ानें भरी हैं। बताते चले कि एम्स ऋषिकेश ने ड्रोन के सहारे पहाड़ के दुर्गम क्षेत्रों में ही दवाइयां पहुंचाकर इतिहास रच दिया है, और भारत में ऋषिकेश एम्स पहाड़ पहला ऐसा एम्स है जिसने ड्रोन के सहारे पहाड़ी इलाकों में दवाई भेजने की सेवा शुरू कर दी है। हमने एक ड्रोन का फ्लाइट टेस्ट किया है, जो हम टीबी की दवाइयाँ टिहरी में जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है वहाँ पे डिलीवर करेंगे, और यहाँ से सामान भेजा गया है कि वहाँ से सैंपल, अगर कोई स्पूटम सैंपल है तो वो वापस आ सकता है। तो इस तरह का सिस्टम हम उत्तराखंड में डेवलप करना चाहते हैं, ताकि टीबी के मरीज़ों को दवाई मिलने की सुविधा हो सके, उनको बहुत लंबा ट्रैवल करके ना आना पड़े, और उनके सैंपल्स, जैसे टीबी आपको मालूम है कि एक इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है, तो फैमिली पूरी पूरी फैमिली में कई बार होती है। मेरा नाम गौरव है, मैं टेकीगल का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। टेकीगल इंडिया की लीडिंग ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और एम्स ऋषिकेश के साथ हम यहाँ पे एक ड्रोन टेस्ट कर रहे हैं, फ्लाइट टेस्ट कर रहे हैं। एम्स ऋषिकेश से CHC न्यू टिहरी तक ड्रोन जा रहा है। अप टू 3 kg का पेलोड कैरी कर सकते हैं, अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 80 to 100 km। यहाँ पर हम फ्लाइट डिस्टेंस 44 km का फ्लाई कर रहे हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को पंतनगर विश्वविद्यालय की तरफ से ही विज्ञान परिधि में ही मानद उपाधि से नवाजा गया है। बताते चले कि कोरोना काल के बाद पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा ही भौतिक रूप से 34वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को मानद उपाधि से नवाजा गया है। साथ ही दीक्षांत समारोह में 2503 छात्र और छात्राओं को उपाधि के साथ में ही 271 PhD डिग्री दी गई है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया है कि विकास के सपने को साकार करते हुए खाद्यान्न में देश को आत्मनिर्भर बनाने वाला पहला कृषि विश्वविद्यालय 62 साल पूरे कर चुका है, और जिसमें उत्तराखंड की बेटियों पर गर्व है जिन्होंने हर क्षेत्र में बाजी मारी है।
मेरा नाम निमिषा है, आज मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए और मुझे बहुत खुशी हो रही है और इसका श्रेय मैं अपने माता पिता और गुरुजनों को देना चाहती हूँ। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं रुद्रपुर से ही बिलोंग करती हूँ और मैं अभी मास्टर्स कर रही हूँ यहीं से प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट। मेरा नाम अभिजीत राय है, मेरे को आज सिल्वर मेडल मिला हुआ है। मैं पिथौरागढ़ से बिलोंग करता हूँ और मैं इसके लिए अपने फ्रेंड्स फैमिली एंड टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगा और आई एम विशिंग फॉर माई बेटर फ्यूचर। कौन सी जगह से? मैं पुरानी बाज़ार पिथौरागढ़ पे का मूल निवासी हूँ। माता पिता जी? मेरे पापा ट्रेजरी ऑफिस में हैं और मम्मी हाउसवाइफ। हरित क्रांति के जनक इस विद्यालय के चौथी दीक्षांत समारोह में आने का मौका मिला और जो उत्साह मुझे बच्चों में दिखाई दिया, विशेषकर हमारी बेटियों में, मेरे ख्याल से जिन बच्चों को हमने डिग्रियाँ दी, गोल्ड मेडल दिए, उसमें अधिकतर बच्चियाँ थी। और मैंने अपने उद्बोधन में कहा, मैंने जब उनसे पूछा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कोई अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, चमोली, टिहरी, तो मुझे उत्तराखंड का भविष्य जो है उज्जवल दिखाई देता है। जो आज हम कहते हैं कि हम मिलेट्स के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, हनी में अपने उत्पाद को दुगुना करेंगे, निश्चित ही इनकी जो शिक्षा दीक्षा यहाँ पर इनको मिली है, नई नई तकनीक का प्रयोग कर हम मिलेट्स को आगे बढ़ाएंगे, हॉर्टिकल्चर को आगे बढ़ाएंगे और जो किसानी को आगे दुगुनी करने का हमारा संकल्प है उसको हम। आज का दिन अलग ही था। आज जी बी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी का जो कॉन्वोकेशन, 34वां कॉन्वोकेशन हुआ, अपने आप में एक अलग ही तरीके से मनाया गया। इसके अंदर में 2503 डिग्रियों को दिया गया और 271 पीएचडी को भी प्रदान किया गया। इसके अलावा अलग अलग कीर्तिमान हासिल करने के लिए गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और बाकी मेडल दिए गए। आज एक अलग से बहुत खुशी हुई कि जो हमारे एग्रीकल्चर रिलेटेड साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्च का इलाका है, अपने आप में बहुत तरक्की कर रहा है। मैं कहूँगा कि एक चीज़ तो दिल को छू गई कि आज के जितने भी विनर्स थे उसमें हमारी बेटियाँ थीं और कुछ बेटियाँ इस प्रकार थी जिन्होंने तीन तीन मेडल लिए और एक परिवार की दो बेटियों ने भी मेडल लिए, तो अपने आप में एक अलग ही फ्यूचर को दर्शाता है। और दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार जी बी पंत ने अपना सीड रेवोल्यूशन, अपना हर एक एग्रीकल्चर रिलेटेड, चाहे वो इक्विपमेंट हो, चाहे वो इनोवेशन हो, एंटरप्रेन्योरशिप, होल्डिंग द हैंड फार्मर्स का, उसमें एक अलग ही कीर्तिमान बना रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आज मुझे सिल्वर मेडल मिला है। मैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की डिग्री आज मुझे गवर्नर साहब के हाथ से मिली है और अभी मैं फ़िलहाल बैंक, इंडियन बैंक में सर्विस कर रही हूँ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की तरह। और आगे भी मेरा लक्ष्य है कि मैं और इसी में तरक्की करूँ और मैं इसका श्रेय अपने माता पिता को और अपने सारे गुरुजनों और दोस्तों को देना चाहती हूँ। अंकिता तिवारी। मुझे गोल्ड मेडल मिला है बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स में और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। मैं अपने माता पिता का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, जिस वजह से आज मुझे इस मुकाम पे पहुँची हूँ। धन्यवाद। क्या टारगेट आगे? मैं इंडियन सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहती हूँ। कहाँ से हैं आप? मैं पिथौरागढ़ से हूँ। पिथौरागढ़ कौन सी जगह से? पिथौरागढ़ रई से। आपके मदर फादर कौन? मेरे पापा एक बिजनेसमैन हैं और मम्मी। खबर हरिद्वार से है जहां ग्राम राजपुर में ही उप प्रधान के चुनाव संपन्न हो गए हैं और चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशियों के विजय जुलूस निकाले जा रहे हैं, जिसके चलते ग्राम राजपुर में उप प्रधान चुनाव के विजय हुए प्रत्याशियों महबूब की जीत के बाद विजय जुलूस में सैकड़ों की तादाद में ही स्थानीय ग्रामीणों और समर्थकों के द्वारा ढोल नगाड़ों के साथ विजय जुलूस निकाला गया है। और वहीं समर्थकों और इसके साथ स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा फूल मालाएं पहनाकर विजय हुए उप ग्राम प्रधान महबूब का स्वागत सम्मान भी किया गया है। और इस अवसर पर ही विजय हुए प्रत्याशी महबूब ने जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिन उम्मीदों के साथ जनता और ग्राम प्रधान पंचायत सदस्यों ने ही भरोसा किया है, उनकी उम्मीदों पर खरा उतर कर दिखाएंगे और गांव के क्षेत्र में भी बहुमुखी विकास करके दिखाएंगे। तो मैं सभी ग्रामवासी और सभी हमारे जो ग्राम सभा के मेंबर हैं, मैं उनका तहे दिल से
शुक्रिया अदा करता हूँ। और गाँव वालों के लिए एक ये बहुत खुशी का पल है, क्योंकि एक पढ़े लिखे जो इंसान है, जो एक मेंबर है, उन्होंने इनको गांव का उप प्रधान बनाया, और आपस में भाईचारा प्यार मोहब्बत बना के रखेंगे, कभी कोई भेदभाव नहीं करेंगे, और हमारे गांव में जो कुरीतियाँ हैं उनका तरीके से इलाज करेंगे, और ना खाएंगे ना खाने देंगे, बिजली का, सड़कों का, नालियों का, किसी भी तरह का कोई भी काम हो और जो हमारे लायक होगा वो प्राथमिकता के तौर पे होगा, और कहीं कोई मुंह देख के काम नहीं होगा। विधवाओं की, बुजुर्गों की पेंशन होगी, जहां तक भी जो काम होगा अपने अधिकार के अनुसार ही काम किया जाएगा, उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। पहले जो हमारे यहाँ ये पाइपलाइन दब रही हैं, ये इनका काम ख़त्म हो जाए, सबसे पहले जो खड्डे हो रहे हैं इन्हें भरने का काम करेंगे। कोटद्वार नजीबाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग के सृष्टिकरण को लेकर ही विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से संसद भवन में मुलाकात की है, और पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग NH 534 कोटद्वार नजीबाबाद सड़क स्थिति की वजह से ही आने जाने वाले यात्रियों को काफी समय से बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे होने की वजह से आए दिन ही एक्सीडेंट की घटनाएं होती रहती है, जिसके लिए ऋतु खंडूड़ी ने ही कोटद्वार नजीबाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण और इसके साथ ही NH 534 के बाईपास के निर्माण और जाफराबाद से ही 200 मीटर आगे की क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत के संबंध में विस्तृत चर्चा की है, और जिस पर केंद्रीय मंत्री गडकरी ने सहयोग का आश्वासन भी दिया है। और इस दौरान ही विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उत्तराखंड स्पीकर ऋतु खंडूड़ी ने ही बताया है कि केंद्रीय मंत्री गडकरी ने ही कोटद्वार नजीबाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाफरा में क्षतिग्रस्त पुलिया को जल्द दुरुस्त करने के लिए ही NHAI के अधिकारियों निर्देशित किया गया है। जी, कल एक बस भी वहाँ पे दुर्घटना ग्रस्त हो गई, वजह साफ है कि गड्ढे उसमें बढ़ गए हैं। देखिए, ऐसा है, मेरी अभी मीटिंग्स बहुत हो चुकी हैं, मैं सेक्रेटरी से मिल चुकी हूँ, भारत सरकार के हमारे जो रोड मंत्री हैं आदरणीय गडकरी जी, उनसे भी मिल चुकी हूँ, और नजीबाबाद से जो हमारी कौड़िया तक, बोआ खाल तक का NH है ये, पर हमें कौड़िया तक इस वक्त देखना है, जल्द बनने होने जा रहा है। थोड़ी सी दिक्कत फॉरेस्ट को लेकर आई है, वो अब उस पर भी मैंने बातचीत पूरी दिल्ली तक कर ली है, और मुझे पूरा विश्वास है कि उस पर जल्द से जल्द काम शुरू हो जाएगा। लेकिन आज मैं फिर देहरादून रात को पहुंचूंगी, और जो हमारे NH ये देख रहे हैं, अब आपको पता होगा कि अब मेरठ से ये शिफ्ट देहरादून हो गई है ये रोड, तो मैं वहां बात करूंगी और उनसे ये निवेदन करूंगी कि कम से कम जो गड्ढे हो रहे हैं उनको फिर से भर दिया जाए। जाफराबाद के पुल के लिए भी मेरी बात मेरठ के जो PD थे उनसे हुई थी, उस पर भी मैं दोबारा बात करूंगी, और बिल्कुल सही कहना है कि साइड में भी जगह नहीं है, जंगल की तरफ भी जगह नहीं, वहां भी खड्डा हो रहा हुआ, सड़क नीचे जा गई भी है, तो कहीं ना कहीं सड़क को दुरुस्त करने का समय है, और हम लोग प्रयास करें कि जल्द से जल्द एक तो जो नया डबल लेन बनना है वो बन जाए, और जो अभी दिक्कत है वो उसको हम निवारण कर पाए। कोटद्वार के देवी रोड में एक बाइक अनियंत्रित होकर दीवार से टकरा गई, और जिसके बाद बाइक सवार को अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। आपको बताते चले कि युवक पेट्रोल भराकर अपने घर जा रहा था, तभी उसकी बाइक अचानक अनियंत्रित होकर दीवार में टकरा गई। वहीं पुलिस ने युवक का पंचनामा कर बॉडी को परिजनों को सौंप दिया है। 1:05 पे हमारी इमरजेंसी में आया था आकाश नेगी, बच्चा था 25 साल उम्र उसकी बताई जाती है, 22 साल, और बॉडेड था, मृत अवस्था में ही आया गया था, उसका एक मित्र उसको लाया था, उसी समय उसको हमने टैकल किया, तो हमारे मेडिकल अफसर ने बताया कि बॉडेड था। सर, किस प्रकार एक्सीडेंटल केस है, मोटरसाइकिल से बच्चा जा रहा था, उसमें ही दुर्घटना हुई है। और कोटद्वार से हमारे साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बता दें आपको कि नवीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, हादसे में युवक की मौत हो चुकी है, ये हादसा किस तरह से हुआ था इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। हेलो जी नवीन, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी जी मैम। जी नवीन, हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, बाइक अनियंत्रित होकर ही सड़क हादसा हुआ है, ये इसके बारे में जानकारी दीजिए। मैम, जो युवक है वो अपने घर जा रहा था रात को पेट्रोल लगा के, इसी दौरान उसकी जो बाइक अनियंत्रित होकर दीवार में जाके टकराई है,
और जिस दौरान से हॉस्पिटल लाया गया था उसे मृत घोषित कर दिया डॉक्टरों ने। जी नवीन, जिस तरह से जानकारी ये भी सामने आई है कि अनियंत्रित होकर बाइक गिरी थी और इसको अस्पताल में भी युवक को लेकर जाया गया था, तो वहां पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया युवक को। जी जी मैम। जी नवीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। उत्तरकाशी के पुरोला नगर पंचायत में बसंत महोत्सव की धूम है। दूर दराज से ग्रामीण बड़ी संख्या में बसंत उत्सव के पहुंच रहे हैं और नगर पंचायत ने इस बार ही लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सभी स्थानीय लोक कलाकारों को मौका दिया है। रवाई घाटी के पुरोला नोगांव मोरी के ही 75 स्थानीय संगीतकारों के सुर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और सभी कलाकार अपनी अपनी संस्कृति की झलक अपने सुरों से मेला पंडाल में बिखेर रहे हैं और जिन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में ही ग्राम दूर दराज से गांव में पहुंच रहे हैं। इस बार जो है 75 जो लोकल संगीतकार हैं हमारे क्षेत्र पूरे रवाई घाटी से, जिसमें मोरी ब्लॉक है, पुरोला ब्लॉक है, नौगांव ब्लॉक है, तीनों ब्लॉकों के संगीतकारों को बुलाया गया है और उनको एक प्लेटफॉर्म देने का हमने प्रयास करा है ताकि लोग उन्हें जानें और उनको भविष्य में जो है और अच्छा मौका मिले, उनको लोग जान करके जो आगे बढ़ने का वो प्रयास करें और लोकल जो संस्कृति है हमारी, जो हमारे रीति रिवाज है, उनको प्रमोट करना ही हमारा इस बार का जो मकसद रहा है। वसंत उत्सव जो लोग यहाँ शिरकत कर रहे हैं वो बहुत इस चीज़ को बहुत इंजॉय कर रहे हैं और आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी उसको जान पाएगी कि हमारी लोकल खान पान क्या है, लोकल संस्कृति क्या है, लोकल रीति रिवाज क्या है, लोकल बोली भाषा क्या है। ये हमारा इसको बढ़ावा देना हमारा मकसद है और हम सब तमाम लोगों से ये निवेदन करेंगे कि बढ़ चढ़ करके इस वसंत उत्सव में। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। नाबालिग लड़की से दुराचार के आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 10 साल की कठोर कारावास और 60,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जिला और विशेष सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी की अदालत ने नाबालिग लड़की से दुराचार करने के आरोपित थाना चमोली के ही बछेर गाँव के निवासी को दोषी पाते हुए पोक्सो अधिनियम के तहत कठोर कारावास और 50,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन मोहन पंत ने बताया है कि मौजूदा समय में आए दिन बच्चों के साथ लैंगिक अपराधों की घटना लगातार बढ़ती जा रही है और इस प्रकार के ही घटना भविष्य में विकराल रूप धारण कर सकती है, इसलिए माता पिता और बच्चों को सतर्क रहने की जरूरत है और उन्होंने बच्चों पर हो रहे अपराधों से बचने के लिए टिप्स देने की वकालत भी की है। सर, वर्तमान में जो बच्चों से संबंधित लैंगिक अपराध हैं उनमें लगातार वृद्धि हो रही है और जनपद चमोली में इस समय 40 से ऊपर तो जो बच्चों से संबंधित अपराध हैं, सेक्सुअल ऑफेंस, वो चल रहे हैं। और कल ही मतलब एक घटना में माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास और 60,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। और आज की बात करें तो आज भी गोपेश्वर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक बच्चों से संबंधित अपराध में एक आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा रिमांड दिया गया है। वर्तमान समय की जो परिस्थितियां हैं वो बहुत विकट हो रही हैं। छात्र व उनके अभिभावक, गुरुजन, समाज के हर व्यक्ति को जागरूक होना बहुत जरूरी है। फिलहाल अपना उत्तराखंड में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।